है, चपड़ा एक स्थान है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बहुत भव्य तरीके से रैली का आयोजन किया जा रहा है। और मैं ये भीड़ दिखा दे रहा था तो ये भीड़ गवाह है कि झारखंड की धरती पे आज ये ऐसा लग रहा है कि बहन जी यहाँ पे उतर के आ रही है। ऐसी भीड़ जब या कभी कोई बड़ा नेता हो या कोई बड़ा महारैली हो जहाँ पर बहन जी का आयोजन होता हो तो ऐसी भीड़ आज देखने को मिल रही है। आज चपड़ा की धरती पर ये वो झारखंड की वो भीड़ है जहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि BSP कहीं ना कहीं ये बहुमत दिखा रहा है BSP का, कि ये BSP का जोर शोर अब ये जो पिछड़ापन है ये सब कुछ दूर होकर रहेगा। और झारखंड की जो जनता है समझ चुकी है क्या हमें BSP की ज़रूरत है या नहीं है, वो सब भली भांति से झारखंड की जो जनता है वो समझ रही है। ये भीड़ से प्रतीत होता है कि ये जो भीड़ है ये गवाह है। ये वो स्टेज है जो कि ऐसे भव्य तरीके से सजाया गया है कि ऐसे बहन जी आ रही हो, मगर हाँ विधानसभा का जो चुनाव है कहीं ना कहीं बहन जी को आना ही पड़ेगा और यहाँ की जनता को संबोधन करना ही पड़ेगा। तो बने रहिए और भी कार्यक्रम के लिए संतों संवेद पहुँचन समता आवाज़ TV और SNews से। मैं आपके माध्यम से जनता को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम जितने भी हुसैनाबाद हरियरगंज क्षेत्र में समस्याएं हैं, अगर यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल के अंदर तमाम समस्याओं को मैं निदान करूँगा। मुख्य रूप से मेरा अगर आप पूछना चाहेंगे कि हम किस किस समस्याओं पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार और सबसे अहम मुद्दा हुसैनाबाद को ज़िला बनाने का है। वो संघर्ष मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ और अगर मैं विधानसभा गया तो ज़िला बनाने का डिमांड मैं अपनी विधानसभा में रखूँगा। अगर हमारी सरकार बन गई, अगर हमारी बहुजन की सरकार बन गई तो ये सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर यहाँ ज़िला बनवाऊँगा और तमाम समस्याओं पर मैं काम करूँगा। और इसी लक्ष्य के साथ मैं आया हूँ। मेरा नाम क्या अपील करना चाहता है हमारे दर्शक जो हैं मतलब 800 करोड़ में वो देख रहे हैं आपको, और क्या मतलब वोट की क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार के तौर पर सबसे पहले तो मैं आपका साधुवाद करता हूं, आपकी सरजमी हुसैनाबाद पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप कम से कम हमारे बहुजनों की आवाज़ को तमाम देश दुनिया में पहुँचाने का काम करते हैं। और मैं बहुजन आपके जितने भी समर्थक हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन तमाम लोगों को एक निर्देश देना चाहता हूं कि जिस आशा उम्मीद के साथ जिस तरीके से मुझ पर विश्वास बहन जी ने किया है, हमारे प्रभारियों ने किया है, तमाम हमारे प्रदेश के कमेटियों ने किया है, प्रखंड के कमेटियों ने किया है और विधानसभा के कमेटियों ने किया है, बूथ के लोगों ने किया है, उनके आशा उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने स्पीच में कहा कि पिछला बार जो हमारा विधायक बहुजन समाज पार्टी का ही था, 57,000 वोट लाने का काम किया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का 157,000 वोट से जीत कर बहन जी के हाथ को मजबूत करने का काम करूँगा और बहुजन के अपने दिल को जीतने का काम करूँगा। समता आवाज़ TV की आपसे गुजारिश है, समता आवाज़ TV को जीवित रखने के लिए, समता आवाज़ TV को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज़ की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज़ TV की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।